शांति रखे और यहाँ की युवा पीढ़ी को भगवान समृद्धि दे रहे हैं, वो शिक्षा की तरफ आए। अभी ड्रेस में खड़ा है, खड़े हो, क्या नाम है, ओम वीर, खड़े हो। ये भी अभी यूनिफॉर्म में ये तुम्हारे गांव की वजह से, हमारे गांव में इसलिए मैं भी चल रही हूँ, मुझे चलेगा ऐसे सुन है वीडियो सामने, खड़े हो। विचार साहब, ये ड्रेस और ये पद क्यों मिलाए इनको? नहीं, अपन को नहीं मिली ये ड्रेस, क्यों नहीं मिली ये ड्रेस हमको? ये अपन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे, इन्होंने मेहनत करी, पढ़ेंगे सारे। एक शिक्षा और पढ़ाई ऐसी चीज है जो झोपड़ी से महल खड़ा कर सकती है, झोपड़ी से महल खड़ा कर सकती है और साइकिल से गाड़ी तक या हवाई जहाज तक पहुंचा सकती है। सिर्फ शिक्षा है, किताबी ज्ञान है, पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपसे भी निवेदन है, मेरी 2 बजे मीटिंग है जयपुर, इसलिए जल्दी जाना है, तो मेरे पास सुबह एक बार मंदिर में ढोक खाते चले जाओ। आप सब बुजुर्गों से भी निवेदन है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, गौड़िया स्कूल जाती है, लड़की स्कूल जाती है, आपकी भी ड्यूटी बनती है स्कूल में कॉलेज में जाकर पूछे कि हमारी बच्ची या बहू बेटी या बेटा कितने बजे स्कूल आया था, कितने बजे घर गया था। और उसके पास अगर कोई नई चीज है, मोबाइल है, कुछ भी, तो पूछे कहां से आया है, किसने दिया। आपका भी फर्ज बनता है ध्यान रखें। आप ये सोचे गए स्कूल गए तो कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, कॉलेज गए तो गए, कब आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई ध्यान नहीं देते। रुमाल में धर के कदम चौक पर ताश खेल लेंगे चाहे चले जाएंगे। तो आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है सभी का, और बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने पे गांव में सबसे ज्यादा ध्यान दें। कोई गरीब बच्चा है जो फीस नहीं जमा करा सकता तो मेरे को बता दे, मैं उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी होगी, मैं उसकी फीस जमा कराऊंगी, ड्रेस दिलाऊंगी। अब सरकारी कॉलेज भी खुल गया, उसमें एडमिशन की फीस की ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत भी नहीं दे सके तो मेरे को आदेश कर दे। पहला आदेश था जब मंदिर में आए